ये भारत का एकमात्र ऐसा समाधि स्थल है जहां किसी भी वीआईपी के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। श्री गजानन महाराज वो थे जो खारे पानी को भी मीठा बना देते थे, बीमार व्यक्ति को स्वस्थ कर देते थे, गरीब लोगों की झोली खुशियों से भर देते थे, दुखियों के सभी दुख हर लेते थे। ऐसे कई सारे भक्त हैं जिनके जीवन में उन्होंने चमत्कार किए हैं। तो आइए दोस्तों सफर की शुरुआत करते हैं। शेगांव ये मध्य रेलवे का एक रेलवे स्टेशन है जो मुंबई कोलकाता रेल मार्ग से जुड़ा है। अंदर का माहौल काफी अच्छा था, ट्रेन में काफी सारी नई नई चीजें इनकॉर्पोरेट की गई थी, जैसे ये इस ट्रेन के इस कंपार्टमेंट को देख के मुझे ऐसे लगा कि यह काफी हद तक अपग्रेड किया गया था। इसमें जो चीजें लगी हुई थी, जो बिल्ड क्वालिटी थी, जो एक्सेसरीज थी, वो काफी प्रीमियम लग रही थी। तो कुछ ही देर में मैं सो गया और आंख खुली सुबह तो 5:50 पे नांदुरा ये गांव आया। यह गांव लगभग 50 किलोमीटर दूर है शेगांव के क्षेत्र से। नांदुरा इस गांव में हनुमान जी की प्रतिमा है जो करीब 100 फुट ऊंची है। इस जगह से मुझे सबसे सुंदर सूर्योदय देखने का अवसर प्राप्त हुआ और ट्रेन में से इसके दृश्य आप देखिए कैसे दिख रहे हैं। इसके बाद ठीक 6:17 पे ये ट्रेन शेगांव रेलवे स्टेशन पहुंची। रेलवे स्टेशन को देख के ऐसे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये कोई गांव का रेलवे स्टेशन है। दोस्तों इस रेलवे स्टेशन से श्री गजानन महाराज जी का जो स्थल है वो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से आप रिक्शा ले सकते हैं या फिर संस्था की बसेस भी होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उस स्थल पे पहुँचाती है, लेकिन हमने सोचा कि हम रिक्शा लेके झट से वहाँ पहुँच जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस जगह पर पहुँचते ही बहुत ही प्रसन्नता महसूस होती है। तो स्टेशन से लगभग 5 में हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन श्री गजानन महाराज संस्थान। दोस्तों यहां पे आके आपको रहने की व्यवस्था ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि संस्थान में ही आपको रहने की व्यवस्था की गई है। बस आपको इस रूम नोंदणी कार्यालय में जाना होता है। यहां पे आपको 200 से लेके 950 तक रूम मिल जाता है, यानी नॉन एसी से लेके एसी तक। तो दोस्तों यहां पे आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ सकता है रूम अलॉट होने तक, लेकिन ज्यादा देर नहीं वेट करना पड़ता, लगभग 1-1.5 घंटा मैक्स आपको यहां पे वेट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों जब तक हम वेट करते हैं अपना रूम अलॉट होने तक, मैं आपको इस जगह का, इस संस्थान का जो परिसर है वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्वच्छता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और हर 10 कदम पे आपको संस्थान के सेवक यहाँ पे साफ सफाई करते हुए दिखते हैं। तो चलिए दोस्तों रूम फाइनली अलॉट हो गया है। तो हमको मिला है रूम भक्त निवास क्रमांक 6 में। हमने सिलेक्ट किया था एक नॉन एसी रूम विद एन अटैच्ड बाथरूम जिसका रेट था 250 रुपीज, 250 रुपए पर डे। आई नो अमाउंट सुन के आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा ये स्पेशली जो यहाँ पे भक्त आते हैं उनके लिए ये सुविधा दी गई है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा रूम तो काफ़ी साधारण सा है लेकिन बहुत ही स्वच्छ और क्लीन है, और वही चीज़ बहुत ही मेन होती है। इस प्रकार रूम में सामान रख के फटाफट नहा के हम निकल पड़े ब्रेकफास्ट करने। यहाँ पे ब्रेकफास्ट आपको सुबह 7-10 तक दिया जाता है और शाम का जो नाश्ता है वो 4-7 तक दिया जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पे नाश्ता या ब्रेकफास्ट करने के लिए आपको पहले कूपन लेने पड़ते हैं, और कूपन भी बहुत ही सस्ते दाम पे आपको मिलते हैं। 15 रुपए से लेके 30 रुपए 40 रुपए तक के कूपन आपको मिलते हैं, जिसमें आपको बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता मिलता है। तो यहाँ पे आपको पोहा, उपमा, मेदू वड़ा सांभार, इडली वड़ा सांभार, साबुदाना खिचड़ी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती है। तो इसके बाद हम निकले श्री गजानन महाराज जी के समाधि स्थल, जो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। लगभग 5 मिनट में आप वहां पे पहुंच जाते हो। तो दोस्तों ये है एंट्रेंस, तो आइए अब हम अंदर जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये भारत का एकमात्र ऐसा समाधि स्थल है जहाँ किसी भी VIP के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। सभी को लाइन में खड़े रहकर दर्शन करना होता है। शायद तभी VIP लोग गजानन महाराज जी के दरबार में कम ही दिखते हैं। दोस्तों अब यही योग्य समय है आपको श्री गजानन महाराज जी के बारे में जानकारी देने का। श्री गजानन महाराज जी का जन्म कब हुआ, उनके माता पिता कौन थे, इसके बारे में तो किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन पहली बार श्री गजानन महाराज जी को शेगांव में 23 फरवरी 1878 में बनकट लाला और दामोदर नामक दो व्यक्तियों ने देखा। और वो भी क्या देखा, एक सुंदर बालक झूठी पत्तल में से चावल खाते हुए गंगंग गणात बूते का उच्चारण कर रहा था। वह बालक बार बार गंगंग गणात बूते का उच्चारण कर रहा था, और इसी वजह से आगे जाके उस बालक को श्री गजानन महाराज के नाम से जाना गया। श्री गजानन महाराज जी चमत्कारी महापुरुष थे, उनके कई चमत्कारों को भक्तों ने प्रत्यक्ष देखा है। तो दोस्तों इस स्थल पर गजानन महाराज जी के जो भक्त हैं वो यहाँ पे आके उनका पाठ पढ़ते हैं, जो लगभग 3 से 4 से 5 घंटों तक वो एक जगह पर बैठ के वो पढ़ते हैं, जिसमें मेरी माँ ने भी वहाँ पे वो पाठ पढ़ा था। जो अभी आप देख रहे हो वो मेरी माँ वहाँ पे वो पाठ पढ़ रही है। श्री गजानन महाराज जी की समाधि का दर्शन हमको लगभग 30 से 40 मिनट में मिल गया, और अब जो वक्त हमको यहाँ पे रहना था वो था मेरी माँ का जो वो पाठ है गजानन महाराज जी का, वो कंप्लीट होने तक हमको यहाँ पे रुकना था। तो दोस्तों कुछ ही देर में यहाँ से मैं निकला आनंद सागर जाने के लिए। शेगांव में 1908 में गजानन महाराज ट्रस्ट की स्थापना की गई। मुख्य मंदिर से करीब 2 किलोमीटर स्थित आनंद सागर है। यहाँ पे श्री गजानन महाराज ट्रस्ट का ही उद्यान और आध्यात्मिक स्थल व ध्यान केंद्र बनाया गया है, तो वही देखने मैं यहाँ से निकला। तो दोस्तों ये हम पहुंच गए आनंद सागर। ये जो जगह है ये 325 एकड़ में फैली हुई है, बहुत ही सुंदर जगह है। वैसे तो मैं जिस दिन आया उसके एक हफ्ते पहले ही इसको खोला गया था। अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है, पूरी तरह से बन नहीं चुकी है ये जगह, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी कुछ आप देख सकते हो। यहाँ पे करीब 50,000 अलग अलग प्रकार के वृक्ष है। इसमें 50 एकड़ क्षेत्र में विशाल तालाब बनाया गया है, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। तालाब के मध्य में टापूनुमा स्थान पर ध्यान केंद्र बनाया गया है, जो विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में जो रॉक मेमोरियल है उसका प्रतिरूप है। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत सारी जगह है, और इसके अलावा म्यूजिकल फाउंटेन, फिश म्यूजियम और बहुत से छोटे बड़े मंदिर है।
जो लोगों को आकर्षित करते हैं। संपूर्ण क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए आपको लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। ध्यान केंद्र तक जाने के लिए आपको पैदल रास्ते के अलावा वाटर बोट की भी व्यवस्था है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे काम फिलहाल पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे अभी भी काम चल रहा है। ये जब पूरी तरह से बन जाएगा, ये बहुत ही एक आकर्षक केंद्र बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको कई सारे संतों की मूर्तियाँ देखने मिलती है, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो इस वीडियो में, और फिर बीचों बीच यहाँ पे स्वामी श्री गजानन महाराज जी की भी मूर्ति आपको दिखाई देती है। दोस्तों अभी मैं आपको एक चमत्कारिक घटना बता देता हूँ। एक बार महाराज आंगनकोट में भ्रमण कर रहे थे, यानी वो घूम रहे थे। तेज गर्मी के कारण उन्हें प्यास लगी। उन्होंने वहां से गुजर रहे भास्कर पाटिल से पानी मांगा, लेकिन उसने पानी देने से मना कर दिया। तभी महाराज को वहां कुआं दिखा जो 12 वर्षों से सूखा पड़ा था। महाराज कुएं के पास जाकर बैठ गए और ईश्वर का जाप करने लगे। जाप के तप से कुआं पानी से भर गया। इस तरह बहुत से चमत्कार उनके भक्तों के बीच प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस जगह पर थोड़ी देर घूमकर मैं फिर से समाधि स्थल पहुंच गया। अब वक्त था दोपहर के भोजन का, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ का जो भोजन है वो निशुल्क होता है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे फिलहाल हम लाइन में रुके हुए हैं कई सारे लोगों के साथ, जो दर्शन करने के बाद यहाँ पे एक प्रसाद स्वरूप ये भोजन का ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने स्थान पे बैठ गए और अब हम शुरू करते हैं अपना भोजन। यहाँ पे आलू की सब्जी है जो लिक्विड फॉर्म में है, फिर है पिटला जो मेरा फेवरेट है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, फिर है दाल, ये चपाती, प्लेन राइस विद मसाले भात, और स्वीट डिश के लिए एक बूंदी का लड्डू। और एक विशेष चीज आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ का भोजन निःशुल्क या फ्री ऑफ कॉस्ट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो अनलिमिटेड भी है। श्री गजानन महाराज जी ने अपने भक्तों को अपनी जिंदगी में बहुत सारी अच्छी चीजें सिखाई, और फिर एक दिन वो आया जब गजानन महाराज जी ने अपनी समाधि का स्थान और समय निश्चित कर दिया। उन्होंने अपने भक्तों को बताया और उन्हें उपस्थित रहने को कहा। वह गणेश चतुर्थी का दिन था। उस पूरे दिन महाराज बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने अपने भक्तों से बातें की और उन्हें समझाया कि वे सदा उनके साथ रहेंगे, और अंत में बाड़ा भाऊ को अपने करीब बैठने के लिए कहा और जय गजानन कहते हुए अंतिम सांस ली। 8 सितंबर 1910 प्रातः 8 बजे उन्होंने शेगांव में इस स्थान पर समाधि ले ली। दोस्तों तो वक्त कैसे गया पता ही नहीं चला।